भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। खास मनमोहक, जीवन की दिशा बदलने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, स्वास्थ्य के अच्छे अच्छे टिप्स देने वाला, जीवन का निर्माण करने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला, बुजुर्गों को, बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को, सभी वर्ग को अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बात सिखाने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अवनति से उन्नति की ओर जाना, अपना विकास करना, इस क्रम के अंदर हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे जीवन निर्माण से जुड़ा हुआ विषय वो हम लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है ध्येय, जीवन का निर्माता। भाई और बहनों, लक्ष्य हर कार्य का होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहा है और उसका लक्ष्य नहीं है कि उसको कहाँ जाना है, तो वो किस प्रकार यात्रा करेगा। उसको जाना बॉम्बे है लेकिन उसने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया और दिल्ली जाने वाली ट्रेन के अंदर बैठ गया, तो वो दिल्ली पहुँच जाएगा तो उसको बहुत भारी तकलीफ हो जाएगी। जीवन में हमने जो जन्म लिया है, हर व्यक्ति का अपनी अपनी रुचि के अनुसार जो है ध्येय होना चाहिए। बिना लक्ष्य के, बिना टारगेट के, बिना एम के जो है लाइफ के अंदर कोई प्लानिंग नहीं हो सकती है। और ध्येय के लिए, एम के लिए, एम ऑफ द लाइफ के लिए कहा गया है कि हमारा एम जो लाइफ का जो है ना, वो इतना ऊंचा होना चाहिए कि चाहे हम उस तक पहुंच सकें या ना पहुंच सकें, लेकिन उसका फायदा क्या होगा कि ध्येय ऊंचा होने से, ध्येय बड़ा होने से जो है हमारी सारी प्लानिंग जो है बड़ी हो जाएगी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकृति मान है, 24 घंटे ही हर व्यक्ति को दिए हैं, 25 घंटे किसी को नहीं दिए हैं। उसमें से जो है 7-8 घंटे सोना और अपने शरीर संबंधी कार्य करना, वर्किंग आवर्स अगर हम एवरेज माने तो 12 घंटे हैं। एक मजदूर से लगा करके एक बहुत बड़े जो है नेता को कहिए या कुबेरपति को कहिए, सबको 12 घंटे मिलते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि 12 घंटे के अंदर उसका ध्येय क्या है, 12 घंटे के अंदर वो क्या करना चाहता है। अगर ध्येय नहीं है तो कोई प्लानिंग नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि धीरू भाई अब्बानी, जो कि किसी समय पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा करते थे, लेकिन उनके पुण्य ने साथ दिया, किस्मत ने साथ दिया और उन्होंने एक ध्येय बनाया। सबसे बड़ा जो कार्य हुआ है, ध्येय बनाया कि जो हमारा हिंदुस्तान है, इतना बड़ा देश है, उसके अंदर मैं आईटी की, दूर संचार की इतनी क्रांति लाना चाहता हूं कि दूर संचार है 25 पैसे के जो पोस्ट, 15 पैसा का पोस्ट कार्ड से भी वो कार्य सरल हो सके, जल्दी हो सके, द्रुत गति से हो सके। और जो उन्होंने सोचा था, जो ध्येय बनाया था, आज प्रगति, प्रगति जो उन्होंने सोचा था, उससे कई गुना रिलायंस के रूप में हमको मिल रही है। और वास्तव के अंदर दूर संचार की बहुत बड़ी क्रांति आई है, उसके अंदर रिलायंस का बहुत बड़ा योगदान है। और उस क्रांति के कारण भारत आज, आईटी की क्रांति के कारण भारत आज विश्व के अग्रगणीय देशों के अंदर आता है। तो ये ध्येय की बात हो गई है। ध्येय कब बनता है, कैसे बनाना चाहिए? ध्येय बनाने के लिए सबसे उत्तम जो समय होता है, वो व्यक्ति जब 10th क्लास के करीब आता है, तो उसकी समझ जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, सूझबूझ का धनी होने लग जाता है। और हमारी स्कूल एजुकेशन में भी आता है कि 10th के अंदर हमको जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सोशल साइंस पढ़ाई जाती है, जनरल साइंस पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर और सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है। उससे क्या होता है कि उस स्टूडेंट को, उस व्यक्ति को जो है एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है कि मुझे कॉमर्स में साइड में जाना है, मुझे साइंस बायोलॉजी में जाना है, मुझे साइंस मैथमेटिक्स में जाना है या आर्ट्स के अंदर जाना है। ये ध्येय बन जाता है।
कईयों का देह जब बच्चे 8-9 साल के होते हैं और पिछले जन्म से जो है वो स्पिरिचुअलिटी को साथ लेकर के आए हैं, वैराग्य को साथ लेकर आए हैं, तो 9-10 वर्ष के अंदर भी उनके जो है वो लक्षण जो है ना एक वैरागी के दिखने लग जाते हैं। और कहा जाता है, हो न हार बिरवान के और होत चीक ने पा, बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद के अंदर जो एक्टिविटी करने लग जाता है तो मालूम पड़ जाता है कि ये कोई महान व्यक्ति बनेगा। अपने आप में कोई महान व्यक्ति के रूप में जन्म ली नहीं लेता है, हर व्यक्ति एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है, चाहे स्वामी विवेकानंद रहे हों, चाहे महात्मा गांधी हो, दयानंद सरस्वती हो, या बड़े बड़े हमारे देश के अंदर जितने भी महापुरुष हुए हैं, झांसी की रानी हुई है और कितनी कितनी जो है हमारे यहाँ क्रांतिकारी महिलाएं हुई है, पद्मावती हुई है और दुर्गावती हुई है, उन सभी के जो है लक्षण पूत के पालने में नजर आने लग गए थे, बचपन से ही मालूम पड़ने लग गए थे। तो ध्येय बनाने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो 10th क्लास का, यानी लगभग 14-15 साल की उम्र के अंदर उसको बेसिक जानकारी हो जाती है कि मेरे लिए सबसे अच्छी लाइन कौन सी है। डॉक्टर की लाइन है, इंजीनियर की लाइन है, पॉलिटिक्स की तरफ जाने की लाइन है, और कॉमर्स के अंदर जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है या मैनेजमेंट की बात है या चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात है। इस तरह की बहुत सी जो है आजकल विद्याएं बहुत सी होगी, भौतिक विद्याएं, असंख्य विद्याएं हैं, तो उसको नॉलेज हो जाता है, उसको ध्येय बनाना चाहिए। और जब उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, किसी व्यक्ति का जब इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है तो व्यक्ति उसी तरफ भागेगा, 24 घंटे उसी की बात सोचेगा। आप देख लीजिए लता मंगेशकर को, देख लीजिए लता मंगेशकर को जो है आज जो है भारत रत्न दिया गया है और वो कोकिला सम्राट कहलाती है। तो उन्होंने बचपन से ही जो है, और उनकी जो है उनकी बहन दोनों ने मिलकर के, उनके पिताजी भी संगीतकार थे, तो उन दोनों ने मिलकर के जो है वो आशा भोसले दोनों ने मिलकर के जो है इसको अपना गायन विद्या को प्रारंभ किया और आगे से आगे से आगे से आगे उनकी किस्मत ने साथ दिया, उनके पुण्य ने साथ दिया और आगे से आगे बढ़ते। लेकिन पुरुषार्थ के अंदर सबसे बड़ा जो काम है वो ध्येय का है, इसीलिए कहा गया है ध्येय जीवन का निर्माता है। अगर जीवन का निर्माण करना है, अच्छी पर्सनलिटी बनाना है, इस मानव जीवन का सदुपयोग करना है और एक अच्छे रूप के अंदर प्रकट होना है, हम संसार में जन्म लेते हैं और चले जाएंगे, क्योंकि हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। हम जो जन्म लेकर के आते हैं तो रिटर्न टिकट हमारे साथ में आता है, जन्म के साथ ही मृत्यु प्रारंभ हो जाती है, और प्रतिदिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम मृत्यु के करीब करीब पहुंचने लग जाते हैं, एवरी डे मृत्यु से पहुंचने का डिस्टेंस कम होने लग जाता है। तो हम इस संसार के अंदर अपनी महक फैला के जाएं, जितने स्वामी विवेकानंद केवल 36 वर्ष तक जिए लेकिन उन्होंने ऐसी जबरदस्त महक फैलाई अध्यात्म की कि उन्होंने जो है वो आज तक भी 150 साल होने को आए हैं, वो आज तक भी जो याद किए जाते हैं। उनकी बचपन की अगर हिस्ट्री सुनेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे कि बचपन के अंदर उनकी स्थिति ये थी कि भोजन, माँ और दोनों को जो है भोजन पूरा नहीं मिलता था, कई बार माँ भूखी रहती थी या कई बार स्वामी विवेकानंद भूखे रहते थे और माँ को खुश करने के लिए कहते थे कि मेरा पेट भरा हुआ माँ तू खा ले, और कई बार माँ जो है उनको फोर्स करके खिलाती थी। तो स्वामी जो रामकृष्ण परमहंस के पास में वो पहुँचे, उनको मालूम था कि इनकी स्थिति ऐसी है कि 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती है, तो वो माँ काली के बहुत बड़े उपासक थे, तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र था कि नरेंद्र तुम काली के पास जाकर के धन दौलत मांगो। तो नरेंद्र जो है एक बार गया और जो भगवान का विराट स्वरूप देखा काली माँ का, तो कुछ बोल नहीं सके। दूसरी बार जो है रामकृष्ण परमहंस ने कहा फिर जाकर के मांगो, तो जब वो मांगने के लिए गए थे उनको कहा गया था तुम धन दौलत मांगना ताकि तुम्हारी गरीबी दूर हो जावे, लेकिन उन्होंने उस जो है विराट स्वरूप को दे करके एनलाइटनमेंट मांगा कि मेरी बुद्धि विजडम और मेरा इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जावे। तो वो वास्तव के अंदर काली माँ की कृपा से इतना बढ़ गया कि 36 वर्ष के अंदर जो है उन्होंने बहुत बड़ा अध्यात्म का काम किया और बहुत बड़ी जागरूकता का काम किया और देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाया कि वो अमर हो गए
और हर वर्ष जो है हम स्वामी विवेकानंद जयंती मनाते हैं, 125 वर्ष हमने अभी मनाए हैं। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि देह बनने से होता है। शंकराचार्य बहुत कम उम्र के अंदर चले गए, बड़े बड़े लोग होते हैं बहुत कम उम्र में चले जाते हैं, पर उनका देह बहुत ऊंचा होता है। देखिए जब देह ऊंचा बन जाता है तो जीवन का निर्माण चालू हो जाता है। व्यक्ति उस देह तक पहुंचने के लिए एक समय भी वेस्ट नहीं करता है, उसकी प्लानिंग करता है कि आज मुझे क्या कार्य करना है, कितना कार्य करना है, और उस कार्य को करने के लिए वो परसु करता है, और शाम को जो है उसका जो है रोड मैप खींचता है, ब्लूप्रिंट खींचता है कि काम के अंदर कितनी कमी रही, प्रगति कम रही या प्रगति ज़्यादा रही। ध्येय बनने से सब कुछ हो जाता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज मैं इस एपिसोड के माध्यम से आज कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को जो है अपना ध्येय बनाना आवश्यक है। ध्येय बनाने के बिना विकास नहीं हो सकता। अब मैं इस मैटर को आज के सिनेरियो से जोड़ना चाह रहा हूँ कि आज हमारे 80 करोड़ युवा हैं, और 80 करोड़ युवा जो कि पूरी शिक्षा लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, अपने अपने विषयों की लेकर के भी वो जो है वो अनएम्प्लॉयड है, और वो सड़क छाप कहे जाते हैं कि वो बेकार घूमते रहते हैं, और माँ बाप के ऊपर एक बोझ होते हैं, और स्वयं भी फ्रस्ट्रेशन के अंदर आ जाते हैं। ये क्यों होता है कि उन्होंने जीवन का प्रैक्टिकल ध्येय नहीं बनाया है। प्रारंभ से ही ध्येय बन जाता कि अगर मुझे इंजीनियरिंग करके अगर मुझे गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिले तो मेरा प्राइवेट कारखाना खोलूंगा, ये प्लानिंग करूंगा, वो प्लानिंग करूंगा। वो प्लानिंग इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर के समय से ही प्रारंभ हो जानी चाहिए। तो इसीलिए, और ऐसा जब व्यक्ति ध्येय बना लेता है तो ध्येय बनाने के साथ क्या होता है कि उसकी सारी शक्ति एक जगह केंद्रित हो जाती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि आपने बचपन के अंदर प्रिज्म का जो एक्सपेरिमेंट किया होता होगा कि एक त्रिकोण कलर का प्रिज्म होता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाइट होता है, उसके अंदर एक स्थान से जो है सूर्य की किरणें प्रवाहित की जाती है, और रिफ्रैक्शन के माध्यम से दूसरे कोण पर जहाँ पर सूर्य की किरणें सारी इकट्ठी हो जाती है उस एग्जैक्ट दिशा के अंदर जो है एक कागज़ को रखा जाता है, तो हम देखते हैं थोड़ी देर के अंदर कागज़ वो जल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण ये है कि सूर्य की किरणों की सारी कॉन्सेंट्रेशन एक बिंदु पर आ गई कागज़ के, और इस कारण वह गर्मी पैदा हो गई, वहाँ ऊष्मा पैदा हो गई, उस ऊष्मा के कारण जो है कागज जलने लग गया। ठीक उसी तरीके से जब हमारा ध्येय बन जाता है तो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो अवचेतन मन है भीतरी जगत के अंदर, उस अवचेतन मन में सारी प्लानिंग चालू हो जाती है, और आगे की भी पीछे की सारी बातें एक के बाद एक जो है वो आती रहती दिमाग के अंदर, और ऐसे ऐसे व्यक्तियों से जो संयोग मिल जाता है, और ईश्वर भी मदद करता है। ईश्वर के लिए कहा गया है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। लोग अपना, जो लोग अपना ध्येय अच्छा बना लेते हैं और उस ध्येय के मुताबिक आगे चलते हैं, वो स्वयं की मदद करते हैं, आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, तो ईश्वर उनके साथ में निश्चित तौर पे मिलता है। और हमारी भारतीय संस्कृति पुरुषार्थ प्रधान है, अगर आपने सही दिशा के अंदर पुरुषार्थ किया है तो आपके निश्चित रूप से जो है वो आपको उसका जो रिजल्ट मिलेगा। हालांकि हमको रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है, क्यों कई बार जब हमें निष्काम कर्म करना है, ध्येय के पीछे हमारा निष्काम कर्म होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बड़ा ध्येय बना लिया और ध्येय उतनी 100% एफिशिएंसी तक हम नहीं कर पाए तो उस स्थिति के अंदर जो है हम विचलित हो सकते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, हम अशांत हो सकते हैं, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसीलिए क्या है कि रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, अपना सही दिशा के अंदर पुरुषार्थ करते जाओ। तो भाई और बहनों, जो मैं बात कर रहा था कि आज की युवा पीढ़ी की, तो युवा पीढ़ी भटक क्यों रही है? उसके भटकने का सबसे बड़ा कारण है कि उनका जीवन निर्माण के अंदर कोई ध्येय नहीं बना है। और जब कभी भी हम जीवन निर्माण के अंदर ध्येय बनावे तो कुछ चीजें हमें उस ध्येय के अंदर शामिल करनी चाहिए। पहला तो यह है कि हमारा ध्येय ऐसा होना चाहिए जो हमें परोपकार की ओर ले जावे, समाज सेवा की ओर ले जावे। दूसरा है, ध्येय हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को कष्ट ना हो,
व्यक्ति को भी कष्ट न हो और उसके साथ में चराचर जगत के कोई प्राणी हो उसको भी कष्ट न हो। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ी ऐसी फैक्ट्री का ध्येय बना दिया है जो कि पानी के साथ के अंदर हर वक्त जो है विषैले केमिकल्स निकालती रहती है, तो वो विषैले केमिकल जाकर के पृथ्वी के अंदर कई जानवरों को जो है मार देगा और साथ साथ में जिस स्थान पर इकट्ठा होगा वह जमीन बंजर हो जाएगी, वह जमीन उपजाऊ से जो है अनुपजाऊ हो जाएगी। तो ये भी एक जो है वो अच्छा ध्येय नहीं है। तीसरा ध्येय ये है कि किसी व्यक्ति को गिरा करके मैं आगे बढ़ूं, ऐसा ध्येय कभी नहीं रखना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि एक गुरुजी ने अपने कुछ विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए कि मेरे विद्यार्थियों के अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी है और विद्यार्थी कितने जो है संवेदनशील है, कितने होशियार है। तो उन्होंने बोर्ड के ऊपर एक लाइन खींची और विद्यार्थियों कहा कि इस लाइन को मिटा करके छोटा कर दो। तो एक लड़का उठा, उसने जो है एक किनारे से उस लाइन को जो है रब किया, रब करने से वो छोटी हो गई। स्वामी विवेकानंद जैसा दूसरा सज्जन व्यक्ति उठा, लड़का उठा, तो उसने उस लाइन के नीचे बड़ी लाइन खींच दी, तो वो लाइन जो है ऊपर वाली छोटी हो गई। इसलिए कभी भी ध्येय बनाओ तो ऐसा बनाओ कि अपने उस ध्येय के अनुसार कार्य करते रहो, लेकिन किसी दूसरे के प्रति जलन, दूसरे के प्रति ईर्ष्या, दूसरे के प्रति को ध्वंस करना, अगर हमारी ऐसी जेलेसी की और घृणा की बात होगी तो निश्चित तौर से हमारा ध्येय जो है वो हमको प्राप्त नहीं हो जाएगा और ध्येय से हम हर क्षण गिरते रहेंगे। अब देखिए कि व्यक्ति ध्येय बनाता उसके फायदे क्या है। उसके सबसे बड़ा फायदा यह है कि व्यक्ति कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। वो जो ही अपनी शिक्षा पूरी करके और जो है आजीविका कमाने के लिए निकलेगा तो उस समय में उसका ध्येय तैयार रहेगा और वो तुरंत ही जो है अपना चालू कर देगा अर्निंग करना। और ध्येय के लिए ध्यान रखना चाहिए कि आदमी कठोर परिश्रम करना चाहिए और आज का काम आज होना चाहिए कि जो कुछ भी किया जाए वो कल किसने देखा है, वो आज का काम आज ही किया जाए, तो उसके अंदर सारी प्लानिंग पहले करके रख ली जाए, कल के लिए नहीं छोड़ा जाए और वो आज का शाम को सोते समय जो है पूरा अपना अकाउंट निकाले कि ये काम मेरा पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। और कुछ ऐसे होते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग होते हैं, वो जो बाकी रह जाते हैं तो आगे से आगे चलते रहते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक ऐसा सुंदर विषय है कि सुंदर विषय के ऊपर हम घंटों घंटों तक चर्चा कर सकते हैं। अब ये है कि ध्येय को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ी बात करें। सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए धैर्य। कई बार क्या होता है कि हम कोई ध्येय बनाते हैं, हम प्रारंभ करते हैं तो उसके अंदर कोई उतार चढ़ाव आते हैं तो हम अपना जो धैर्य खो बैठते हैं, पेशेंस खो बैठते हैं और कई बार उस कार्य को वहीं बीच के अंदर ही बंद कर देते हैं। लाइफ इज स्ट्रगल, तो इसीलिए जीवन एक संघर्ष है, तो उतार चढ़ाव तो आएंगे, उतार चढ़ाव के अंदर घबराना नहीं है, उसमें संतुलन बनाए रखना है और आगे से आगे कार्य करते रहना है। ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मुझे सफलता नहीं मिलने की क्या बॉटल नेक्स है, क्या कमियां हैं जिसके कारण की सफलता नहीं मिल पा रही है, वो हमें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, समय की पाबंदी। हमने कोई भी बहुत ऊंचा ध्येय बना लिया और हमारे पास केवल 12 घंटे हैं तो उसको करने के लिए हमारे पास के अंदर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। सब चीज़ लिखित रूप में डायरी में होनी चाहिए। और उसके बाद के अंदर एक दूसरी चीज़ ये है कि कार्य का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बड़ा ध्येय है उसको पूरा करने के लिए कई लोगों का हमें सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि सारी सृष्टि सापेक्ष है, निरपेक्ष व्यक्ति सृष्टि में नहीं चल सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें प्राणवायु मिलती है, ये प्राणवायु हमें पेड़ पौधों से मिलती है। अगर सृष्टि के अंदर पेड़ पौधे नहीं हो तो हम जिंदे नहीं रह सकते, हमको प्राणवायु नहीं मिल सकती। तो ये जो है वो प्राणवायु जो है वो हमारा रिलेटिव हो गया। इसलिए ध्येय जो है बनाया जाए रिलेटिव है, वो लोगों से जो है सहयोग लिया जाए और सहयोग के अंदर जिस वर्ग के लोग हैं जो एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग काम के लिए जाए। और तीसरी बात है टीम स्पिरिट,
ध्येय को पूरा करने के लिए जो मेन लीडर होता है, जिसने कि बड़ा ध्येय बना रखा है, तो उसका चाहे मजदूर से काम लेवे, चाहे मैनेजर से काम लेवे, चाहे अकाउंटेंट से काम लेवे, चाहे लोडिंग अनलोडिंग डिस्पैच करने वाले जितने भी लोग हैं उनसे काम लेवे, तो सभी को भाईवत समझना चाहिए, प्रेम से बात करनी चाहिए, प्रेम के साथ सलूक करना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो वह भी हमारा भाई है, वह भी हमारा इंसान है, हमारा और इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना ही अपने अपने कर्मों का है कि आपके पुण्य प्रबल हैं तो आपको इतना बड़ा ध्येय मिल गया या इतना कार्य करने की पद्धति मिल गई, और अगले का जो है पुण्य अभी तक इतना प्रबल नहीं हुआ है, और उसका अगर पुण्य प्रबल हो जाएगा तो वह भी आपकी तरह जो है वैसा बन जाएगा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ध्येय है हमारे जीवन का निर्माण करने वाला है, और जन्म लेने वाला हर व्यक्ति को जीवन का निर्माण करना चाहिए। अगर ध्येय नहीं है तो हमने जैसे जन्म लिया है उसी तरीके से जितना हमारा आयुष्य कर्म है उसके अनुसार 50 साल 25 साल 75 साल जितने जिएंगे बिना किसी भी जो है हमारे एम के हम जिएंगे, और जैसा प्रकृति जिलाएगी वैसा जी करके और एक दिन चले जाएंगे, तो हमने क्या महक छोड़ी, हमारी फ्रेग्रेंस क्या है जो कि पीछे रही, और हमने इस धरा के ऊपर आकर के और क्या अपना चिन्ह छोड़ा कि फला व्यक्ति आया था कुछ काम कर गया। तो हमें ये सब चीज़ें ध्येय बनाने के माध्यम से होगी। जितने जितने महापुरुष, आज मैं आपको कोट करना चाहूँगा कि नरेंद्र भाई मोदी है वो कितना बड़ा जो है अपना ध्येय लेके चलते हैं कि वो निर्भीक हैं, जब भी बात करते हैं सटीक बात करते हैं, कभी डरते नहीं हैं, निर्भीक इसीलिए कि ईमानदार है, उनको शासन चलाने का तजुर्बा है, और वो 24 घंटे जो है देश की सेवा के लिए अपने भाइयों की सेवा के लिए लगे रहते हैं, इसलिए निर्भीकता आती है, और निर्भीकता आने के कारण वो कार्य भी अच्छा करते हैं, उनके पास में विजन है, और विजन होने की वजह से ध्येय भी एक विजन का प्रकार है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से अच्छी संख्या के अंदर जी रहे हो, और पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य जगत कल्याण का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। उसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, और आप सुखी के साथ जीवन यापन करके परोपकार करें।